एक तरफ सेना दिन रात सीमा पर तैनात रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करती है, वही समाज की बेहतरी के लिए भी काम करती है, जिससे आम आवाम को इसका बड़ा फायदा मिलता है। पुंछ सेना की 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड कृष्णा घाटी के अंतर्गत पढ़ने वाली 3/3 GR यूनिट ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोरोना के खिलाफ सीमावर्ती गांव अजोट में टीकाकरण अभियान चलाया। इस अभियान में अजोट समेत कई सीमावर्ती गांव के लोगों को टीकाकरण किया गया। इसमें 18 साल से ऊपर और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीके लगवाए। वही डॉक्टर सुरभि कार का कहना है कि अजोट PHC और सेना ने मिलकर यह कैंप लगाया है और हमें लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना टीके लगाए गए हैं। वही गांव के लोगों का कहना है कि सेना और स्वास्थ्य विभाग की यह अच्छी कोशिश है। सेना हमेशा से ही हम सीमावर्ती लोगों की मदद करती रहती है। हम सेना का दिल से आभार प्रकट करते हैं। पब्लिक वॉइस की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि बख्शी, हमें PHC अजोट से। आज हमने एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है हेल्थ डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद आर्मी की, इनकी कोलैबोरेशन के साथ हमने ये हेल्थ एक मेडिकल कैंप हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। एक गुलपुर विलेज में हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये गुलपुर विलेज जो ये है, ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया का ये एक गाँव है। तो यहाँ पे हमने वैक्सीनेशन रखी है 18 प्लस जो लोग हैं उनकी, और 45 जो सेकंड डोज है उन लोगों की हमने वैक्सीन हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या लोगों का रिस्पांस किस तरीके का है? लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा, हमारी उम्मीद से भी बढ़कर रहा यहाँ पे लोगों का रिस्पांस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रश रहा लोगों का, और लोग बढ़ चढ़ कर आए इस वैक्सीन इसमें हिस्सा लेने के लिए। और काफ़ी संख्या में हम अभी तक लोग जो हैं वैक्सीन कर चुके हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि और लोग आएंगे वैक्सीन करने के लिए। और इस वैक्सीन के साथ साथ हमने अपना गोल्डन कार्ड का भी यहाँ पे रखा हुआ है, और गोल्डन कार्ड की रजिस्ट्रेशन का भी हमने वो रखा हुआ है, और उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर अभी तक हिस्सा लिया है। ये जो हमारा गुलपुर का गांव है, ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया के नज़दीक का एक गाँव है, और यहाँ पर इस तरह के जो आर्मी का कैंप इन्होंने हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की साथ जो किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है उनके साथ मिलकर, ये इससे गाँव के लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जो लोग कुछ दूर दराज से, कई लोग जो रह जाते हैं, कई हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में नहीं पहुंच सकते हैं किन्हीं मजबूरियों के कारण, उन लोगों को यहाँ पे ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज जब किए जाते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। फौज की तरफ से हमें इतला दी गई थी कि गुलपुर ग्राउंड के अंदर आज वैक्सीनेशन का सेंटर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया था वो पूरे यहाँ पर आए, खड़ी करमाड़ा गुलपुर रिजोर्ट किसानियाँ के लोग इधर आए और सब ने यहाँ वैक्सीनेशन करवाया। तो फौज की तरफ से बहुत अच्छी पहल की गई है। सिर्फ यही नहीं कि फौज ने वैक्सीनेशन है, कोई भी मसला हो जहाँ हमारी बॉर्डर की वाम है, कोई भी मुश्किल होती रही है, तो सेना जो है हर वक्त सिविल वाम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही, और हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प आर्मी ने ही किया जब भी हुई। तो आज भी इसीलिए जो लोग दूर दराज के इलाके से हॉस्पिटल तक नहीं जाते थे किसी ना किसी परेशानी की वजह से, उन सबको यहाँ पर इकट्ठा किया और उनको वैक्सीनेशन लगवाया। यहाँ पे 3/3 GR ने वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया था। तो यहाँ पे बैकवर्ड एरिया और बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो है सिविल जो है वो कम मिलती है फैसिलिटी, तो आर्मी की वजह से हमें यहाँ पे प्रॉपर जो है वो वैक्सीनेशन या वगैरह मेडिकल फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं 3/3 GR का और SM साहब का, CO साहब का। करमाड़ा पंचायत में रहता हूँ, और जो ये आज वैक्सीनेशन का ये कैंप लगाया गया आर्मी की तरफ से, अपना 3/3 GR गोरखा राइफल 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड की तरफ से, ये हमारा बैकवर्ड एरिया है, पहाड़ी एरिया है, इसमें जो लोग बचे हुए थे मेडिकल सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे थे उनके लिए यहाँ कैंप लगाया गया, और बहुत से लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन करवाया गया। इसलिए कमांडिंग ऑफिसर जनाब CO साहब, SM साहब और पूरी पलटन का धन्यवाद करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। Thank you.